धार्मिक नगरी उज्जैन में हरियाली महोत्सव का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान दुधेश्वर महादेव का अद्भुत श्रृंगार किया गया। वहीं दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। उज्जैन के दूधतलाई स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर पर हरियाली अमावस्या महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान दुधेश्वर महादेव का अद्भुत श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात भगवान का पूजन अभिषेक तथा महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन ने महाप्रसादी का आयोजन किया। जवारे बोके आज अमावस्या के दिन विसर्जन किया जाता है इसका। और ये दुधेश्वर महादेव मंदिर, मतलब जिसको दूधतलाई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आकर किया जाता है। और फिर आज के दिन लेडीज़ और लड़कियाँ व्रत करती है अपने अच्छे पति के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए। और अनुसार इस वर्ष भी बाबा दुधेश्वर भगवान के दरबार में हरियाली अमावस्या महोत्सव का मेले का आयोजन रखा गया है, जिसको देवास्या के रूप में बोलते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ तले का विशेष महत्व है। यहाँ पर कुंवारी कन्या आती है, ज्वारे विसर्जन करती है और धानी मुक्का का अपना व्रत का उद्यापन करती है। ये सावन के पहले, अमावस्या के पहले हमारे यहाँ पर ज्वारे बोए जाते हैं और उसका विसर्जन करने के लिए हम लोग यहाँ तलाई पे उपस्थित होते हैं और यहाँ पर उसी का विसर्जन करते हैं और फिर उसके बाद में धानी लेके आते हैं, उसको मुक्के में रख के हम लोग धानी मुक्का खेलते हैं। भोपाल जिले के ई टेंडर घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मुश्किलें आ सकती हैं। विशेष न्यायाधीश के आदेश में पूर्व मंत्री के दोनों निज सचिव 3 दिन के रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपे जाने के आदेश दिए गए हैं और सरकार से सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। विशेष न्यायाधीश ने जांच एजेंसी को दोनों को पुलिस रिमांड पर देते समय कहा कि रिमांड के दौरान आरोपियों के साथ मारपीट नहीं की जाएगी और न ही उन पर दबाव बनाकर कोई कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों के स्वास्थ्य और कुशल क्षेम का उत्तरदायित्व ईओडब्ल्यू के निरीक्षक रीना शर्मा का होगा। ईओडब्ल्यू ने 27 जुलाई को निर्मल और वीरेंद्र को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड की मांग की थी। अदालत ने उचित कारण न होने से ईओडब्ल्यू के आवेदन को निरस्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। जिला अभियोजन अधिकारी न्यायाधीश की कोर्ट में आवेदन पेश कर कहा था कि आरोपियों को घरों से जब्त दस्तावेजों में अनेक बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ की गई और मामले की सीबीआई जाँच भी कराई। सांप्रदायिक एवं धार्मिक भावना भड़काने के मामले में सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भोपाल का नोटिस मिला है। कोर्ट ने भोपाल संसदीय सीट से भाजपा के निर्वाचित सांसद को मिली नोटिस का जवाब भी मांगा है। भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि साध्वी ने लोगों की सांप्रदायिकता एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जनता से वोट की अपील की थी। साथ ही अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पर भी आरोप लगाए और कहा कि दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद कहकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की है। अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान साधी द्वारा मुंबई के दिवंगत पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद के विषय में भी भड़काऊ भाषण दिए गए। चुनाव आयोग ने 1 मई 2019 को साध्वी पर 24 घंटे के प्रचार पर प्रतिबंध भी लगाया था। याचिका में मांग की गई कि प्रज्ञा ठाकुर का निर्वाचन शून्य किया जाए। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने साध्वी को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। टीकमगढ़ जिले के सलकनपुर गांव के ग्रामीण अपनी मूलभूत मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को रोक दिया। नाराज ग्रामीणों को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मुख्यमंत्री से मिलने की बात पर अड़े रहे। टीकमगढ़ जिले के सलकनपुर में रहने वाले ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज लोग शुक्रवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर घेराव करना चाहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने सीएम हाउस में जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी और ग्रामीणों ने हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ग्राम सलकनपुर के जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रामकिशोर अहरवार साहब, हमारा राशन कार्ड है ना, हमारा आवास है साहब, हमारा इतना परिवार को कहाँ से हम क्या करेंगे, ना जमीन ना जगह है, कुछ नहीं है। माँ बाप है हमारे साहब, छोटे में ख़त्म हो गए थे, सभी ग्रामवासियों को पता है। भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अपनी गुटबाजी और हताशा को कम करने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा विधायकों को लालच देने के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस भाजपा के विधायकों को प्रलोभन दे रही है, कहीं ये उनके लिए आत्मघाती न हो जाए। भाजपा अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की बैठक में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में ये बात कही। मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 2 विधायकों ने पिछले दिनों मत विभाजन में सरकार का समर्थन किया था,
इसके बाद से प्रदेश में सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा के कई विधायक बाउंड्री वॉल पर खड़े हैं, जो विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वहीं भाजपा के दोनों विधायक इस मौके पर नहीं पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि उन्होंने पहले सूचना दे दी थी, वहीं किन्हीं कारणों से बैठक में नहीं आ पाएंगे। बैठक में प्रदेश भर से पार्टी ने सभी सांसदों, विधायकों, सभी जिलाध्यक्ष, सदस्यता प्रभारी सहित प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चे के अध्यक्ष व महामंत्रियों को बुलाया है। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, हमें ऊंचे मनोबल के साथ काम करते रहना है। जितने दिन यह सरकार चल रही है उतने दिनों तक प्रदेश की जनता के मन में सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होगा। वहीं इससे पहले श्योपुर से भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी ने कांग्रेस पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भाजपा छोड़ने के लिए पैसों का लालच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय चरक अस्पताल का आरक्षक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने आगर रोड स्थित शासकीय चरक अस्पताल का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, नर्स और अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही उपचार करवाने के लिए आए हुए मरीजों और उनके परिजनों से बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो काम पूर्व की भाजपा सरकार 15 सालों में नहीं कर पाई, वो कांग्रेस की सरकार महज 15 महीनों में करके दिखाएगी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। धार्मिक माह श्रावण में बाबा भोलेनाथ की भक्ति की बयार बह रही है। वहीं उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल के जलाभिषेक करने के लिए देश भर से कांवड़ यात्री उज्जैन पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों के जल से महाकाल का जलाभिषेक कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। श्रावण माह भगवान शिव की आराधना के लिए खास माना जाता है, जिसके चलते श्रद्धालु पूरे माह व्रत और शिव उपासना करते हुए बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं। वहीं उज्जैन से प्रसिद्ध महाकाल के दरबार में प्रदेश सहित देश भर के कांवड़ यात्री पवित्र नदियों का जल लेकर पहुंचते हैं। बोलबम के जयघोष से यात्रा करते कांवड़ियों का उत्साह सड़कों पर देखते ही बनता है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से शुरू की गई और वहाँ से जब रवाना हुए, सबके मन में यही भाव है कि महाकाल के दर्शन हो और सब लोगों की इच्छा पूरी हो। इसी उद्देश्य से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से हमने ये यात्रा शुरू की और महाकाल पर विसर्जन करेंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन जिले की तराना पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते कनादरी गांव में छापामार कार्रवाई करते हुए दो घरों से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। प्रशासन की कार्रवाई से पूरे गांव में असमय अफरा तफरी का माहौल बन गया। उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर के निर्देश पर पूरे जिले में बदमाशों की धरपकड़ करने के साथ साथ पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते तराना थाना पुलिस ने ग्राम कनारदी में दबिश दी, जहां तीन अलग अलग मकानों की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें एक दुकान से देशी अंग्रेजी शराब की करीब 6 पेटी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी पिछले कई दिनों से ग्राम कनारदी में अवैध शराब बेचने के संबंध में सूचना मिल रही, तो हमारे द्वारा दबिश कार्रवाई की गई, तो अलग अलग स्थानों पर कुछ दारू बेची जा रही थी और वहाँ से हम लाए हैं दारू के लेके आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर जिले के महू में बदमाशों ने दोपहिया वाहन से भरे कंटेनर को चुराने का प्रयास किया, लेकिन कंटेनर में जीपीएस सिस्टम होने के कारण वो लूट की घटना को अंजाम देने में असफल रहे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल मामला किशनगंज पुलिस थाना क्षेत्र के हाईवे का है, जहाँ धर्मेंद्र तोमर नामक ड्राइवर अपने बाइक से भरे कंटेनर को सड़क किनारे खड़ा कर शौच के लिए गया था। इसी दौरान पहले से चोरी की फिराक में बैठे बदमाश कंटेनर स्टार्ट कर ले गए। जब धर्मेंद्र ने मौके से अपने वाहन को गायब देखा तो उसने तत्काल अपने मालिक को सूचना दी। दरअसल कंटेनर में जीपीएस सिस्टम लगा था, जो उन्होंने देखकर तत्काल ड्राइवर को बताया। वो महू की ओर गया, जिसके बाद पुलिस की ड्रायल 100 को सूचना दी गई। पुलिस ने उक्त ड्राइवर को देखकर रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। एक कंटेनर ड्राइवर धर्मेंद्र तोमर, ये अपना कंटेनर लेके और उस कंटेनर में लगभग 50 मोटरसाइकिलें थी, ये लेके हाईवे पे सागर ढाबे के वहाँ पर जाकर
उसने गाड़ी रोकी और उसके बाद में ये फ्रेश होने के लिए गया और लगभग 10 मिनट बाद आके देखता है तो इसका ट्राला मैं मोटरसाइकिल से भरा हुआ ये वहाँ से चोरी हो गया। मऊ से आकाश राठौर की रिपोर्ट। प्रदेश में बिल्डर अच्छी लोकेशन और मूलभूत सुविधाओं का हवाला देकर सीधे साधे लोगों को महंगे दामों में प्लॉट और फ्लैट बेच देते हैं, लेकिन वास्तव में कॉलोनाइजर द्वारा कोई मूलभूत सुविधा बाद में उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसा ही एक मामला उज्जैन में सामने आया जहां परेशान लोगों का गुस्सा पार्श्वनाथ डेवलपर्स के इंजीनियर पर फूट पड़ा। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने करीब 11 प्लाटों की कॉलोनी बनाई है। बिल्डर ने प्लाट और फ्लैट बेचने के दौरान लोगों को सभी मूलभूत सुविधाओं का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी स्थानीय रहवासी बिजली पानी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं जब पार्श्वनाथ डेवलपर से बात करते हैं तो बहाने बनाने लगता है, जिससे परेशान लोगों ने साइट इंचार्ज को बंधक बना लिया। नाराज रहवासियों का कहना है कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने प्लाट और फ्लैट बेचने के दौरान कॉलोनी में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया था, लेकिन पिछले 4 साल से कोई सुविधा उन्हें नहीं मिली। और क्या कुछ बिजली की 4 साल से मैं रह रही यहाँ पर, इतनी ज्यादा समस्या नहीं के बराबर ही है बिजली और पानी, जो कि बेसिक समस्या है, जिसको तो मेरे को लगता है कि हर गरीब को भी ये व्यवस्थाएं दी जाती है। और हम तो इतने बड़े बड़े मकान बनाने के बावजूद भी हम लोगों को इससे वंचित कर रखा है। इन लोगों ने किन लोगों ने वंचित कर रखा है? पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने, जिसने मतलब और फोन लगाने पर वो अटेंड तक नहीं करते हैं फोन को। ये तो कोई जायज ही नहीं ना, हम पढ़े लिखों को इतनों को उन्होंने बेवकूफ बनाया। टंकियां बनी वो भी खाली है क्या? पानी की टंकियां तो दिखाने के लिए बनाया है उन्होंने, सारी जो व्यवस्थाएं दिखाई है सिर्फ दिखाने की है, उस पर किसी तरह का कोई हम लोगों को सुविधा नहीं दी। ऐसे कई कॉलोनाइजर है जो बुनियादी सुविधाओं के झूठे दावे प्लॉट और फ्लैट बेचकर लोगों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसे में जरूरत है ऐसे धोखेबाज कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।